सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। CGPSC प्री एग्ज़ाम साथ ही व्यापम के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो लोग CGPSC प्री एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन युवाओं के लिए, या फिर हॉस्टल वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। भाग वन भाग टू की क्लासेस कर लिए हैं, भाग थ्री का CG व्यापम का क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू का क्लास कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जल्दी से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ऐसे ही प्रश्न आपके PSC और व्यापम के क्वेश्चन में जरूर आते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, जब भी मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। जाइएगा जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, उसी को मैं अब नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। जो नड्डापल्ली गुफा है आपका बीजापुर जिले में स्थित है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ व्यापम में PSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल क्लास लेकर आया हूँ, PSC प्री एग्ज़ाम जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। देखिए 1 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। 1 दिसंबर से जो लोग फॉर्म नहीं भरे जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, इसका लास्ट डेट आपका 20 दिसंबर है, ठीक है। 20 दिसंबर को CGPSC प्री एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने की तिथि है लास्ट डेट है, ठीक है। जाइएगा जल्दी से फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, कल का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, हॉस्टल वार्डन, SI भर्ती और ADO और PSC प्री एग्ज़ाम, ये सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट क्लास है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ जितने भी विगत वर्षों से आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है। छत्तीसगढ़ के व्यापम 2021 मंडी निरीक्षक में क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है कि प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है, तो ये कानून कौन बनाता है आपका कार्यपालिका, ठीक है। जो कानून बनाता है आपका कार्यपालिका बनाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ PSC और व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये PSC प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। PSC प्री एग्ज़ाम जो इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 12 फरवरी 2023 में होने वाला है, ठीक है। 12 फरवरी 2023 को जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है PSC प्री एग्ज़ाम, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन लेकर आया हूँ विगत वर्षों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है। जो थापड़ी नृत्य है आपका कोरकू जनजाति, जो आप सुने होंगे ना नाम, कोरकू जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के समुदाय से है, ठीक है, थापड़ी नृत्य। अब ये बताइए कमेंट में कि बैगा कौन से जनजाति से संबंधित है, ये आप बताइएगा, क्या क्यों प्रसिद्ध है बैगा जनजाति, क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो जल्दी से तैयार हो जाएं हॉस्टल वाड़ने के लिए, ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाएं हॉस्टल वाड़ने के लिए। आज हम क्वेश्चन देखेंगे टोटल 50 MCQ, ठीक है। टोटल 50 MCQ देखने वाले हैं हॉस्टल वाड़न, SI भर्ती और CGPSC प्री एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन है कठिया पथरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है। हाँ, एक बार नोट कर लीजिएगा, हॉस्टल वाड़न, SI भर्ती, ADO और CGPSC प्री एग्ज़ाम, जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल हम 50 MCQ करने वाले हैं, कितने 50 MCQ करने वाले हैं, ठीक है। जो कठिया पथरी चूना होता है आपका बलौदा बाजार क्षेत्र में स्थित है, यानी कि बलौदा बाजार जिला में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनाच्छित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 2019 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में वनाच्छित क्षेत्र का जो प्रतिशत है आपको 44.2% है। कितना है 44.2% है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, रात करके, ठीक है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को।
आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। बाकी का और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो नीचे दिया गया है उसका लिंक, आप जाके जुड़ जाइएगा, या फिर प्लेलिस्ट पर, आपको प्लेलिस्ट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। इस राज्य के राधेश्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हाल ही में 2020 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया है कि राज्य के ये, और एक और प्रश्न है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके महिला पर्यवेक्षक में भी आया था, और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, सहायक संपरीक्षक में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सहायक संपरीक्षक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो राधेश्याम बाले जी हैं किस क्षेत्र के लिए दिए गए हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, कला क्षेत्र के लिए। ठीक है, कला क्षेत्र के लिए राधेश्याम बाले जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पद्मश्री से प्राप्त इस राज्य के अनूप रंजन पांडे को किस क्षेत्र से संबंधित है। जो अनूप रंजन पांडे हैं वो भी आपका कला क्षेत्र से संबंधित है। किससे? कला क्षेत्र से संबंधित है। मैं जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ विगत वर्षों का, ठीक है, विगत वर्षों का क्वेश्चन है जो PSC और व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को बताया, 2019 के जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए हैं अनुरूप रंजन पांडे जी, वो आपके कला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कला क्षेत्र से संबंधित है। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर नीचे में दिया है कमेंट का, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए याद कर लीजिएगा। 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंसर ए होगा आपका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, जो कि 2021 में राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को राज्य सहकारी बैंक को सरकार का पुरस्कृत दिया गया था। किसके लिए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान के लिए। ठीक है, अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु क्या है। मैं आप सभी को बताया था कि देखिए जो लोग हॉस्टल वार्डन, SI भर्ती और ADO और PSC प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान का है। ठीक है, दोनों मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर आऊँ, छत्तीसगढ़ से भी और भारत से भी, यानी कि भारत का मतलब होता है इंडियन GK। ठीक है, इंडियन GK का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ते हैं उसका न्यूनतम आयु क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। चलिए आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है चुनाव लड़ने के लिए सबसे न्यूनतम आयु क्या होगी। 23 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा, ABC या D क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए अब आना आंसर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट जल्दी बताइएगा। सभी का आंसर 35 वर्ष आ रहा है, यानी कि देखिए 33 लोगों का आंसर आ चुका है, 33 बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है ना, संख्या बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 71 हो गया, 71 लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर 35 वर्ष। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अब चलिए छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट में कल चोरी की प्रथम राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम राजधानी है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, आंसर भी आ रहा है, देखिए बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है, तो मारिए बिल्कुल सही है आप लोगों का, जिन लोगों का आंसर भी आया है तो मार वो बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोक मंत्र यानी कि नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। चलिए आंसर ABC या D कमेंट करके बताइएगा, पोलिंग वोट करते हैं। ठीक है, कौन सा व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के लोक नाचा यानी कि लोक नाचा में लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था। तो देखिए बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है, दुलार सिंह मंदराजी, यानी कि दाऊ दुलार सिंह मंदराजी है
जो छत्तीसगढ़ के नाचा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया था, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ, इसको रट लीजिएगा। मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया है? देखिए, मैं आप सभी को क्या बताया था, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ का जीके और करंट अफेयर तीनों ही क्लास मिक्सिंग है, जितने भी क्वेश्चन है सभी मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग क्वेश्चन है। ओके, चलिए, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हॉस्टल वार्डना एसआई भर्ती और सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। मार्केन एस्पार्जा, सभी लोगों का आंसर आ गया क्या? मार्केन एस्पार्जा, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, जिन लोगों का आंसर ए आया है, मार्केन एस्पार्जा बिल्कुल सही है, जो मैरी कॉम है ओलंपिक का कांस्य पदक उसको बांटा गया है मार्केन एस्पार्जा के साथ। अब बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित का क्षेत्र प्रतिशत कितना है, वन आच्छादित का, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आएगा आंसर, पोलिंग वोट कर रहे हैं। ठीक है, आंसर ए 40.27%, आंसर बी है 43.93%, ऑप्शन सी है 38.67%, ऑप्शन डी है 30.27%। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वन आच्छादित कितना है। देखिए, बहुत लोगों का आंसर बी आ चुका है, 71 लोगों का आंसर आया है बी, और यहाँ पर 29 लोगों का आया है 40, यानी कि आंसर ए, और बाकी इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब देखते हैं। चलिए, यहाँ पर 71 लोगों का आंसर आ चुका है बी, बढ़ते जा रहे संख्या, देखिए अब यहाँ पर अब 105 लोगों का आंसर आ चुका है, आंसर बी ले रहे हैं, जो वन आच्छादित क्षेत्र है आंसर बी ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर बी आ चुका है बिल्कुल सही है, 43.93%, यानी कि 43.93%, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का वन आच्छादित का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए, ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या आएगा, कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, मतलब देखिए ये एग्जाम बार बार आया हुआ है, इंडियन जीके का क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, तो निर्वाचित नहीं होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, क्या ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, आपका इंडियन जीके का क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ के जीके का क्वेश्चन में मिला कर लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझो 90% आपकी तैयारी हो चुकी। ठीक है, पार्ट थ्री वीडियो है, ठीक है, पार्ट थ्री वीडियो है, सीजीपीएससी प्री एग्जाम हॉस्टल वार्डना एसआई भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। स्पीकर, स्पीकर को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष भी कहते हैं स्पीकर को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य है, राज्य विधान परिषद के सदस्य, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। देखिए, बहुत लोगों का आंसर बी आ रहा है और बी बिल्कुल गलत है, जिन लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल गलत है, यहाँ पर पूछा क्या गया, नहीं होता पूछा गया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है बोला गया, जल्दी से बताइए क्या आएगा। देखिए, आंसर डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी डी बी सी आया है ये बिल्कुल गलत है, आपका आंसर ए होगा, स्पीकर यानी कि लोकसभा का सदस्य जो होता है वो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, अगर निर्वाचित होता पूछता तो आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सदस्य होता है और राज्य विधानसभा का परिषद का सदस्य होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है तो आंसर ए होगा, स्पीकर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप आंसर बता दीजिएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह को किस संगीत वाद्य बजाने में पारंगत थे, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद या ऑप्शन डी सारंगी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, पोलिंग वोट है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या आएगा।
राजा चक्रधर सिंह का नाम सुनते ही आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन आंसर किसी का नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है। देखिए अब राजेश कहता है कि सर डेली कराए, अरे भाई हम डेली क्लास करा रहे हैं, आपको पढ़ लीजिए ना भाई। वीडियो आप कमेंट में ना करें, पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना। अगर आपने लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ लिया मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, क्या आ रहा है, किन लोगों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा किन लोगों का आंसर आया है, ऑप्शन ए का आंसर आया है 90% और बी का आया है 73% और डी का आया है 20%। यानी कि देखिए जिन लोगों का आंसर ए आया है, तबला, बहुत ही सुंदर आंसर दिए हैं, तबला, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा। कुछ समय पूर्व ही भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से कौन सा ग्रिड प्राप्त हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी ग्रिड, ऑप्शन बी उत्तरी ग्रिड, ऑप्शन सी पूर्वी ग्रिड, क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए बहुत लोगों का आंसर डी आ गया है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा क्या आएगा। उत्तरी पूर्वी नहीं आएगा दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल गलत है और बी भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या आएगा, कुछ समय पहले ही देखिए भारत में विद्युत व्यवस्था को विफलता से कौन सा ग्रिड प्रभावित हुआ था, तो ये आपका उत्तर जो है यहाँ से उत्तर और ये दक्षिण, एक मिनट ना, देखिए ये ऐसा टाइप का, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। पूछा क्या गया है, कुछ समय पहले ही भारत में जो विद्युत व्यवस्था जो विफलता हुआ था वो आपका उत्तर और पूर्वी ग्रिड है, ठीक है, उत्तर और पूर्वी ग्रिड, यहाँ से जो प्रभावित हुआ था आपका क्षेत्र वहीं से प्रभावित हुआ था ग्रिड का, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी दोनों आएगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी ग्रिड दोनों आएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए क्या आएगा। अगस्त 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था, जो जंगल सत्याग्रह था क्या आएगा जल्दी से बताइए। रुद्रीनामा गांव, गठासिली, तमोरा या पौंडी गांव, क्या आएगा। चलिए ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था, तो जो रुद्रीनामा गांव है बहुत अधिक उग्रवादी था, ठीक है, वहीं आंसर ए आएगा। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट है उसका साक्षरता प्रतिशत कितना है, डायरेक्ट आंसर ए आ रहा है, ठीक है, 71.04%, बिल्कुल सही है, 71.04% आएगा। चलिए इसका क्या आएगा बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहों से की जाती है, खजुराहों से जल्दी बताइएगा। खरौद, क्या बोल रहे हैं, भोरामदेव भी आंसर आ रहे हैं, सी आंसर आ रहा है और बी आंसर आ रहा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर, खजुराहों की तुलना किससे की जाती है, भोरामदेव से, भाई आंसर सी आएगा। कितने लोगों का आया है, 99% लोगों का आया है, देखिए यहाँ पर भोरामदेव बिल्कुल सही है। चलिए इसका बताइए क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था, तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रथम सूबेदार कौन है जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक सूबेदार कौन है, महिपत राव दिनकर, बिल्कुल सही है, जिन लोगों का आंसर सी आया बिल्कुल सही है। चलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है, सन 1857-58 के जो विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था, कौन था सिपाही उपद्रव का नेता, ये आपने सुना है ना, हनुमान सिंह का नाम सुना होगा आपने, हनुमान सिंह उपद्रव का नेता है ना। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM
निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं शिखर वार्ता किस देश से आयोजित किया गया था? वेनेजुएला। वेनेजुएला से संबंधित है, किससे है? वेनेजुएला से संबंधित है, आंसर सी आएगा। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो लौह अयस्क का माइका एम्प्टीन उत्पादक मुख्य जिला कौन सा है? ये सबसे ज्यादा माइका लौह अयस्क का एम्प्टीन उत्पादक में जिला कौन है छत्तीसगढ़ राज्य में? आंसर सी आ रहा है, बस्तर जिला, बिल्कुल सही है। चलिए वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अदिति मुखर्जी के लिए, चलिए बताइएगा, अदिति मुखर्जी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नॉर्मन बोरलॉग, बिल्कुल सही है। देखिए जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था अदिति मुखर्जी को 2012 में दिया गया था, ठीक है। ये इसका बताइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? जो कुटुम्बसर गुफा होता है आपका संगमरमर से संबंधित है। चूना पत्थर किन लोगों का आ गया आंसर भाई? चूना पत्थर कैसे आएगा यहाँ पर? चूना पत्थर कहाँ पूछा है क्या यहाँ पर? पूछा क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध कुटुम्बसर के गुफा किन शैलों से निर्मित है? अब शैलों से निर्मित है पूछा गया है, क्या आएगा? चूना पत्थर, संगमरमर, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किसी का आंसर बी आ रहा है तो किसी का आंसर डी आ रहा है, बलवा पत्थर का आंसर ही नहीं आ रहा, बलवा वहां पर पूछा नहीं है, क्या आएगा जल्दी से बताइए। पोलिंग बूट करें क्या? देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आ चुका है। चलिए 30 सेकंड का समय आपका समाप्त हो चुका है। जो कुटुम्बसर की जो गुफा है आपका चूना पत्थर ही आएगा, ठीक है। जिन लोगों का आंसर भी आया है बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। एशिया का प्रथम जीव मंडल यानी कि राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट बायोस्फीयर नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? बस्तर में कि रायगढ़ में या सरगुजा या रायपुर, क्या आएगा? आंसर ए आया है, बस्तर, बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड जनजाति यानी कि छत्तीसगढ़ गोंड ट्राइबल में निम्न में से कौन सा विवाह जिसे वर द्वारा वधु का अपहरण विवाह किया जाता है उसको पैसोत्तर विवाह किया जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आएगा, पैसोत्तर विवाह कहा जाता है। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा। समाज विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का अध्ययन किसने किया था? घोटुल, वेरियन एल्विन ने किया था, बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरियन एल्विन ने किया था। इसका बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य में किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष बरामद हुए हैं? देवरानी जेठानी मंदिर, बिल्कुल सभी का आंसर आंख बंद करके आंसर सी आ गया है, तालागांव, बिल्कुल सही है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्ष 2012 में कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल पर कुछ समय के पहले उतारा गया था? जल्दी बताइए क्या आएगा। देखिए 2012 में कौन सा अंतरिक्ष यान है जो मंगल पर कुछ समय पहले ही इसके पूर्व उतारा गया था? क्या आएगा? मार्स पोल रेलेंडर या फिर मार्स पाथफाइंडर या मार्स एक्सप्लोरेन रोवर ए या मार्स क्यूरियोसिटी रोवर डी। और सभी लोगों का आंसर फटाफट डी आ चुका है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि मंगल में उतारा गया था यान मंगल पर, ठीक है, बहुत ही सही है, बिल्कुल सही, गजब का आंसर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं भारत का सामान्य ज्ञान से। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति पद और गोपनीयता का प्रधानमंत्री कैसे दिलाएगा यहाँ पर? प्रधानमंत्री कैसे आएगा? जबकि देखिए राष्ट्रपति किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है, ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद और गोपनीयता शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का, आंसर डी आएगा। बेवकूफ लोग प्रधानमंत्री बोल देते हैं कुछ भी। क्या नाम है, क्या नाम है इसका? राधिका। राधिका और क्या है, 17। कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या यहाँ पर? भारत के राष्ट्रपति और पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष की दिलाएगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अधिकारी दिलाएगा। चलिए इसका क्या आएगा बताइएगा।
विश्व का नौवां हिंदी सम्मेलन, ये तो बिल्कुल भी आंसर दे दिए हैं, बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? रायगढ़ में, बिल्कुल सही है, सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था रायगढ़ में, बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? बिल्कुल सही है, राज्यसभा, 2/3 बहुमत से राज्यसभा आएगा जो कि अनुमोदन है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसका क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राज्य के विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सही है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, उसके बारे में क्या सही है बताइएगा, क्या सही है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए बी सी या डी क्या आएगा जल्दी से कमेंट करें। वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है, बिल्कुल गलत। वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल गलत। वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित या नामांकित किया जाता है, बिल्कुल गलत। वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है, यह आपका अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा, जो राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। चलिए इसका क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वह 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति यानी किस वर्ष के लिए तैयार की गई, नई औद्योगिक नीति क्या आएगा, 9 से 14, 11 से 12, 12 से 13, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए 2012 में पूछा गया है नई औद्योगिक नीति, तो अब 9 से 14 बताइएगा क्या आएगा, 9 से 14, ठीक है। अब यह बताइएगा छत्तीसगढ़ के में किस जनजाति सरहुल लोकनीति प्रचलित है? सरहुल, जो सरहुल है छत्तीसगढ़ जनजाति से क्वेश्चन है, जनजाति से क्वेश्चन लेकर आया हूँ अब, ये जनजाति से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति सरहुल, बिल्कुल सही है, आंसर डी आएगा उराव, बिल्कुल सही है। चलिए छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। ये सौर सुजला, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही आंसर सी आएगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े मेरे को, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा कमेंट करके जल्दी से। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो अपनी 6 खदानों टीन का उत्पादन करता है? बिल्कुल दंतेवाड़ा आ गया है, बिल्कुल आंसर सही है, दंतेवाड़ा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम वाणिज्य विवाद समाधान के केंद्र और वाणिज्य न्यायालय का उद्घाटन का नया रायपुर छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। जुलाई सभी में आ रहा है, तो जुलाई वाला आंसर आएगा सी और ए, तो क्या आएगा दोनों में से, चलिए मैं आपको 50% आंसर बता दिया हूँ, 20-20 आंसर बता दिया हूँ। भारत का प्रथम वाणिज्य विवाद समाधान केंद्र और वाणिज्य न्यायालय का उद्घाटन नया रायपुर में छत्तीसगढ़ में कब किया गया है, 16 में, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर ए आया है, जुलाई 16, बिल्कुल सही है। चलिए छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, झारखंड की सीमा लगती है उत्तर पूर्व में, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित और एस उत्तर ई विशेष का आर्थिक होता है राजनांदगांव, बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, गजब का आंसर है ये वाला, गजब का सवाल है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है जो राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है? अब देखिए एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है पूछा गया है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आएगा, एकमात्र पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसका क्या आएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है और एग्जाम में हर बार पूछता है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आता है, अभ्यारण्य से, राष्ट्रीय उद्यान से, है ना, ये कल के क्लासेस में हम देखेंगे अभ्यारण्य से, राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से, ये जो प्रश्न है मगरमच्छों का, ये सब बोलते हैं ना, ये दहरा कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है और क्यों आता है प्रश्न, हम कल बताएंगे कल के वीडियो में, ठीक है। ये हम कल के क्लासेस में क्या देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से देखेंगे, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यारण्य से क्वेश्चन से संबंधित देखेंगे, ठीक है, नदी अफवाह तंत्र से क्वेश्चन देखेंगे, इतना सारा टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है, इतना सारा टॉपिक कल पढ़ेंगे। इसका क्या आएगा, वन भागों का क्या आ रहा है, आंसर भी आ रहा है 44, 44%, बिल्कुल सही है। चलिए
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? विश्व के प्राचीन नाट्यशाला सीता बेगरा और जोगी मारा की गुफाएं हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, आपका आंसर ए आ जाएगा। चलिए इसका क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल पीएससी प्री एग्ज़ाम, हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गोंडवाना प्रियवर्धन और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? कौन से विद्वान ने लिखा है जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतर ने। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कुटकी दही की पूजा की जाती है? पीएससी में एग्जाम में आता है, कुटकी दही की पूजा की जाती है। कुटकी दही यानी कि इसको बोलते हैं आप हरेली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुटकी दही की पूजा कब की जाती है? हरेली में। ठीक है, हरेली में कब मनाया जाता है? हरेली, हाँ बताइए। चलिए इसका आंसर आप बताइए कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ पहले शहीद कौन है? वीर नारायण सिंह। बिल्कुल सही है, तो जो लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही है, वीर नारायण सिंह। तो आप कमेंट में बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? फांसी कब दी गई थी, कौन से सन में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कौन से सन में जरूर बताएं, जल्दी से बताइएगा। और हनुमान सिंह को क्या कहते हैं, मंगल पांडे कहते हैं या क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? दक्षिण कोसल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जिन लोगों का आंसर भी आया है बिल्कुल सही है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता है। यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, प्लस 15 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, यानी कि आपका 40 और 15 कितना होगा? 55 क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चन देखने वाले थे लेकिन आपको हम 55 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, चलिए 55 क्वेश्चन हो गया ना, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आपकी पीएससी प्री एग्ज़ाम, हॉस्टल वार्डन, एसआई भर्ती और एडीओ के लिए क्लास था। ठीक है, छत्तीसगढ़ समान निकाय, भारत का समान निकाय, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया समझो 90% आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, डेली क्लास करते रहिएगा। ठीक है, शाम 7 बजे बिल्कुल क्लासेस कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ की, और गणित की क्लास अभी एक दो दिन स्थगित कर दी गई है, एक दो दिन के बाद हम देखेंगे गणित की क्लास। ठीक है, तो गणित में हम कहाँ पर आए थे, गणित पर हम कहाँ पर आए थे, टाइम एंड वर्क में या फिर क्या बोलते हैं, अच्छा चार समय दूरी में क्वेश्चन देख रहे थे ना। चलिए हाँ बिल्कुल, वो एक दो दिन के बाद देखेंगे ना, फिलहाल अभी उसके लिए गणित के लिए स्थगित कर दिया गया है, समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का और भारत का दोनों ही क्लास करा रहे हैं। ठीक है, शाम 7 बजे और रात को 8 बजे। ठीक है, दोनों ही क्लास समय चल रहा है, 5 बजे की क्लास गणित की होती है, उसको अभी एक दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके थैंक यू। ठीक है, 40 क्वेश्चन देख लिए और प्लस 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका क्या आएगा आप बताइएगा, सभी आंसर दीजिएगा क्या आएगा। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका यानी कि तीजनबाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये आप आंसर जरूर बताइएगा क्या आएगा, है ना, लावणी, गोंधल, पंडवानी या भारूड, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क, होमवर्क है आप सभी के लिए, इसको बताइएगा क्या आएगा आंसर। जो विश्व का प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका कौन है? तीजनबाई लोक संगीत की किस शैली के प्रतिनिधित्व करती है? जल्दी से बताइएगा, जो तीजनबाई है वो किस शैली से प्रतिनिधित्व करती है, गोंधल, पंडवानी, भांडुंड या ए, क्या आएगा? आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, कल हम देखेंगे पीएससी प्री एग्जाम और हॉस्टल वार्डन है, दोनों ही क्लास देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मैं आपको क्या बोला था, कल की वीडियो हम 7 बजे देखेंगे, इंतजार करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी को नोटिफिकेशन में भेजूंगा। ठीक है, सभी को अपने भेजूंगा, जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को भेजूंगा। ठीक है, या फिर जितने भी हॉस्टल वाले तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा।
ओके थैंक यू। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। हाँ देखिए जिन लोगों का आंसर सी सी आते जा रहा है बिल्कुल सही है, आंसर कमेंट करते जाइएगा। हाँ चलिए आंसर सी हम बता चुके हैं, आंसर सी ठीक है। एक और क्वेश्चन दो क्या, चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको बताइएगा क्या आएगा। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है, क्या है ये, तो आंसर ऐसे ही दे चुके हैं राउत नाचा, बिल्कुल सही है भाई राउत नाचा आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आप होमवर्क करके लाइएगा। कौन छत्तीसगढ़ की जनजाति यानी कि ट्रिबल से नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, धुरवा गोंड मुड़िया ई रूलर क्या आएगा, जनजाति नहीं है पूछा गया, जनजाति ठीक है जनजाति नहीं है पूछा गया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मुड़िया जनजाति है, गोंड जनजाति है, धुरवा जनजाति है, इलवर जनजाति क्या है, एक नहीं है पूछा गया है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए होमवर्क है ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।